तो अभी के टाइम पे जो माइनक्राफ्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉब है वो है वार्डन, यानी कि वो माइनक्राफ्ट के विदर, माइनक्राफ्ट के एंडर ड्रैगन, माइनक्राफ्ट के किसी भी मॉब से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि ये सही नहीं है तो तुम इस वीडियो के एंड तक बने रहो, मैं तुम्हें सारी चीजें प्रूव करके दिखाऊंगा एंड इनमें से कुछ चीजें बहुत ज्यादा स्केरी भी है। एंड ये सब आज हम साथ में देखने वाले हैं एंड साथ में डिस्कवर करने वाले हैं विद प्रूफ्स। तो यस एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट मिथ्स। एंड इस वीडियो में हम देखते हैं माइनक्राफ्ट के कुछ ऐसे मिथ्स, कुछ ऐसी थ्योरीज जो कि बोली जाती हैं सच है एंड बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग भी है एंड कुछ कुछ बहुत ज्यादा मजेदार भी है। तो यस, विद दैट सेड, लेट्स गो। तो यस, आओ चलते हैं अपने मिथ्स की तरफ। एंड वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज लीव अ लाइक। आज की वीडियो का मैं टारगेट रखता हूँ 55K लाइक्स। ये जो हमारा पहला मिथ आ रहा है ये आ रहा है शल्क सेंसर से। एंड तुम्हें पता ही है अगर तुम शल्क सेंसर के पास से क्राउच करके जाते हो तो वो तुम्हें बिल्कुल भी स्पॉट नहीं कर पाता है। एंड इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं पहले ले लूंगा शल्क सेंसर। आई मीन टू से स्कल्क सेंसर, आई एम सॉरी, माय बैड, माफ कर दो मुझे। तो यस, अगर मैं यहाँ पे प्लेस करूँ एंड अगर मैं इनके साइड से चल के जाऊंगा तो यस, ये देखो मुझे पहचान ले रहे हैं, किस तरह एक लाइन सी निकल रही है अगर तुम्हें दिख रहा होगा। बट अगर मैं क्राउच करके जाऊंगा तो ये मुझे नहीं समझ पा रहे हैं एंड ये मुझे पहचान भी नहीं पा रहे ना ये मुझे डिटेक्ट कर पा रहे हैं। तुम देख रहे होगे इनमें से आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब ये है कि इन्होंने मुझे डिटेक्ट नहीं किया। बट हमारे स्मिथ के हिसाब से अगर तुमने अपने आप को एक इनविजिबिलिटी पोशन दे दिया तो फिर भी ये स्कल्क सेंसर्स तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे एंड आई हाईली डाउट दैट कि ये सही होगा। तो इसी चीज को ट्राई करने के लिए मैं पहले ले लूंगा यहाँ पे एक इनविजिबिलिटी पोशन, ये बेस्ट है एंड मैं इसे अपने ऊपर लगा लूंगा फटफट एकदम। एंड जैसे कि तुम देख सकती हो मैं हो चुका हूँ अब इनविजिबल एंड अब मैं इनकी साइड से जाने का ट्राई करूंगा एंड लेट सी कि ये मिथ कितना सही है। आई मीन अगर ये मिथ सही हो गया तो भाई फिर तो वार्डन के लग गए। तो अगर मैं यहाँ से जाने का तो ये स्कल्क सेंसर हमें फिर भी सेंस कर पा रहे जैसे कि तुम देख सकते हो एंड यस, दिस मिथ इज बस्टेड। आई मीन यार कम ऑन, तुम खुद भी सोचो अगर वो वाला ट्रू होता मिथ तो कितना इजी हो जाता है एंशिएंट सिटी को लूटना एंड वार्डन को मारना भी। एंड विद दिस हम चलते अपने नेक्स्ट मिथ पे। तो हमारा जो नेक्स्ट मिथ है वो रिलेटेड होने वाला है वार्डन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉब इन माइनक्राफ्ट। यस, एंड इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं यहाँ से डीपेस्ट जहां तक जा सकता हूँ मैं वहां तक यहाँ पे होल करूंगा एंड फिर मैं यहाँ से हाइट लिमिट जहां तक भी जा सकता हूँ मैं वहां तक एक टावर बनाऊंगा एंड फिर हम वहां से वार्डन को घेर के देखने वाले हैं एंड चेक करने वाले हैं क्या वो सर्वाइव करेगा। एंड अगर वो सर्वाइव कर लेता है तो कांग्रेचुलेशंस, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉब इन द एंटायर गेम। अगर तुम्हें पता नहीं है तो पहले सिर्फ 64 ब्लॉक तक ही जा पाते थे बट ड्यूरिंग द अपडेट माइनक्राफ्ट ने ऐड किया कि तुम -64 तक भी जा सकते हो। सो दैट मींस तुम ऑलमोस्ट 128 ब्लॉक्स नीचे जा सकते हो। एंड जस्ट टू चेक, मैं एक बार यहाँ से एक वार्डन घेरने वाला हूँ ताकि हमें पता लगे वो इस जगह से जा भी पाता है या नहीं, या हमें और थोड़ा बड़ा इसको करना पड़ेगा। ओके, सो हियर वी गो। ओके, अगर मैं इसे यहाँ से करूँ, ओके गॉट इट, ठीक है जा सकता हूँ। बट अब इनका क्या करूँ मैं, खोपड़ी तोड़ दे। चलो निकलो, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो निकलो निकलो निकलो, यहाँ पे भाई लंगर नहीं लग रहा है, बहुत हो गया तुम्हारा, निकलो निकलो निकलो। ओके, मैं कहीं और जाके करने वाला हूँ भाई, बिकॉज इन्होंने नाक में दम कर रखा है। तो मैं मिलता हूँ तुमसे ये सारी तैयारी करने के बाद एंड फिर हम करेंगे वार्डन का ड्रॉप टेस्ट। यस लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, तो मैंने यहाँ से पूरा डीप डाउन -64 तक तो कर दिया यहाँ पे होल, बट भाई मेरी बहुत हालत खराब हुई है यहाँ पे, मैं सच बता रहा हूँ। अब मेरे को पता है ऊपर जाने में भी और हालत खराब होने वाली है यार। ओके, तो आई एम एट द हाईएस्ट हाइट लिमिट, तुम देख सकते हो यहाँ पे 319 इज द ब्लॉक हाइट लिमिट एंड अब मैं यहाँ से ड्रॉप टेस्ट करने वाला हूँ हमारे प्यारे वार्डन का एंड मुझे फट से नीचे गिरना पड़ेगा इसके साथ, बिकॉज मेरे को देखना है इसके साथ क्या होने वाला है। और इन 3, 2, 1 लेट्स गो। चल 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 चल, कम ऑन कम ऑन बिक्सू, कम ऑन कम ऑन, वो बहुत तेज गिर रहा है, अरे बहुत तेज गिर रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं उतनी तेज नहीं जा पाऊंगा। बट ओके, मुझे देखने की है बच पाएगा तो ही सेफ। डूड व्हाट ब्रो, दिस गाय सर्वाइव्ड दैट, मतलब 300 ब्लॉक ऊपर और फिर 128 ब्लॉक्स नीचे, और अभी क्या करना चाह रहा है, What? क्या तुमने देखा ये? Okay, this was unexpected. ये तो मेरे को नहीं पता था ये मिथ में होगा। भाई वो कहाँ चला गया? क्या वो छुप गया? लेकिन वो बेडरॉक, this is bedrock. इसके नीचे कुछ नहीं है, ये गया कहाँ होगा? Okay, this myth is crazy. ये मिथ ने मेरा दिमाग उड़ा दिया कसम से भाई। इस वाले के लिए तो तुम्हें लाइक करना पड़ेगा अगर तुमने अभी तक नहीं किया तो। एंड अब चलते अपने नेक्स्ट मिथ पे जो कि होने वाला है और भी क्रेजी। ओके, ये वाला मिथ मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया भाई, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू स्कल्क सेंसर एंड दिस कैन बी अ लेजिट हैक, मैं तुम्हें बता सकता हूँ। क्योंकि अगर हम एक स्कल्क सेंसर के सामने कोई भी ब्लॉक रखे, सपोज स्टोन, एंड अगर तुम फिर इसके ऊपर चलने का ट्राई करोगे तो ये फिर भी सेंस कर ले रहा है, तुम देख सकते हो
ये देखो दिस इज मेकिंग साउंड्स, ये सेंस कर पा रहा है। और सिर्फ स्टोन ही नहीं, तुम कोई भी माइनक्राफ्ट का कोई भी ब्लॉक रख लो, ये सेंस कर लेगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस मिथ, अगर हम इसके सामने वूल रखेंगे तो ये उसे बिल्कुल सेंस नहीं कर पाता है, एंड हमारे फुटस्टेप्स भी सेंस नहीं कर पाएगा। मतलब वूल एक सप्रेसर की तरह काम करेगा। तो तुम ऑलरेडी देख सकते हो मैं यहाँ पे वूल प्लेस कर रहा हूँ, ये फिर भी साउंड नहीं कर रहा है। एंड नाउ वी विल वॉक थ्रू द वूल, ये मेरे को अभी सेंस कर पा रहा है, मैं इसके आसपास घूम रहा हूँ, मेरे को फिर भी सेंस कर पा रहा है। एंड अगर मैं What? Okay, ये बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा और ये कोई आवाज नहीं निकाल रहा है। So, did we just got a hack? Okay, भाई एक काम करना, तुम या तो वूल लेके जाओ या तो वूल के कारपेट लेके जाओ एंशिएंट सिटी में, पूरी लूट लो अच्छे से। And let's go to our next myth. Okay, this myth is insane. And ये मुझे आज तक पता क्यों नहीं था? I bet तुम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये। So, इस मिथ के अकॉर्डिंग हम फिशेज को लीव्स के बीच में ट्रैप कर सकते हैं। Yes, तुमने बिल्कुल सही सुना, ये लीव्स के बीच में भी ट्रैप हो सकती है। अब आई डोंट नो ये कैसे होगा, बट इसमें ऐसा कहा गया है कि इसको तुम बिल्कुल एक्वेरियम की तरह रख सकते हो, जैसे एक्वेरियम में फिश टैंक के अंदर फिश होती है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने यहाँ पे 3 बकेट ले लिए हैं, एंड अगर मैं यहाँ पे फिश को रखना चाहूँ, ओके इसमें पानी भर गया बट फिश बाहर निकल के नाच रही है सरप्राइजिंगली। लेकिन इसके अंदर पानी कैसे भरा, मुझे आई डिडंट नो दिस। ओके एक सेकंड, फिश ट्रैप नहीं हुई, मैं एक और बार करके देखता हूँ, एंड इस बार 2 पे करेंगे। यो ओके एक फिश बाहर आ गई, बट तुम देख सकते हो ये वाली भाई पागल हो रखी है इसके अंदर, ये ट्रैप हो गई सच्ची में। ओके तो पहली बार हमारा कोई मैच सक्सेसफुल हुआ है, और वो भी इतना अच्छा। ओके वार्डन वाला भी हो गया था, यस दूसरी बार हुआ है गाइस, दूसरी बार। भाई ये क्या ट्रैप हो रखी है, आई होप तुम्हें दिख रही होगी ये, वरना बहुत मुश्किल है ऐसे देखना। यहाँ से देखो, डैम ओके दिस इज समथिंग न्यू, इसे कहते हैं मिथ। एंड लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट वन। ओके सो दिस नेक्स्ट मिथ इज प्रीटी स्कैरी, एंड तुम पूछोगे ऐसा क्यों, बिकॉज ये एक माइनक्राफ्ट के मॉब को इनविंसिबल बना देता है, मतलब तुम उसे मार ही नहीं सकते हो। एंड यस ये मिथ रिलेटेड टू एली, अगर तुम्हें नहीं पता तो वो एक वैक्स में से जो निकलती थी, वो जो ऐसे मंत्र पढ़ता था, मैं अभी तुम्हें स्पॉन करके भी दिखाऊंगा। एंड इस मिथ के अकॉर्डिंग अगर तुम एली को कोई भी रैंडम आइटम माइनक्राफ्ट का पकड़ाओगे उसके हाथ में, तो वो इनविंसिबल हो जाएगी, मतलब तुम उसे जितना मर्जी मारने का ट्राई करो वो मरेगी ही नहीं, या मरेगा ही नहीं, आई डोंट नो द जेंडर, आई एम सॉरी। तो अगर मैं यहाँ पे एली स्पॉन, ओ क्या मुझे कमांड से करना पड़ेगा, ओ यस मैं कर सकता हूँ, मैं कितने करूँ, 12, ओ नहीं ये तो कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है, ठीक है चलो एक ही बहुत होगी। एंड हियर वी गो, हियर इज एली, हाय एली हाउ आर यू। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं इसे भी एक बार मार के दिखाऊंगा तुम्हें, ही मजा आएगा। नहीं मुझे तुम्हें एग्जांपल देने इसलिए मार रहा हूं, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है, प्लीज ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी। ये देखो एक लगा इसे, तुम देख सकते हो, एंड कहां जा रही है, रुक जा, मतलब तुमने देख लिया कि इसे लगती है, इसके हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। बट अब मैं इसे पकड़ाऊंगा, इसके हाथ में एक लेट्स से फ्लावर, कोई भी फ्लावर ले सकते हैं, अब पॉपी, पॉपी देखते हैं। यस एली ये लो मेरी तरफ से एक पप्पी, लो अरे कीप इट, इसने ले लिया। ओ ब्रो व्हाट, ये हंसी तुमने क्या सुनी, इसकी हंसी है करके, यू आर हैप्पी। मैं इसे नहीं मार पा रहा हूँ, तुम देख सकते हो, ये देखो मैं कितना भी हिट करूँ इसे, ये भाग रही है, इसे लग नहीं रहा। लेकिन ब्रो व्हाट दिस इज इनसेन, ये सारे मिथ कहाँ छुप के बैठे हुए थे, दिस इज प्रीटी स्कैरी टू। मतलब तुम सोचो इसे पूरे माइनक्राफ्ट, एंटायर माइनक्राफ्ट का एंडर ड्रैगन से लेके वेदर कोई नहीं मार सकता है। यो दिस इज मेरे को स्पीचलेस बना दिया इसने, ये हंस क्यों रही है, तेरे को फ्लावर मिला तू, भाई इसको लग नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट मिथ पे जा रहा हूँ, एक तो हंसते हुए लग गया, मेरे को डर लग रहा है। ब्रो ये मेरे पास आ गई, व्हाट लेट मी गो, ओ माय गॉड, यो यो मेरे ब्रो मेरे को, डूड व्हाट, ये मेरे पीछा नहीं छोड़ रही है, ओ माय गॉड, एक तो इतनी रात हो रही है भाई, लिटरली 12:30 हो रहे हैं रात के। मेरे को नहीं ऐसी चीज सुननी इसकी, तू जा ना ब्रो, इसको मैं क्या करूं, मैं इसे मार भी नहीं सकता। ओके नेक्स्ट मिथ, ये बहुत ज्यादा फनी है एंड ये बहुत ज्यादा क्रीपी भी है। तो तुमने एक मिथ सुना होगा कि जो फ्रॉग आने वाले थे माइनक्राफ्ट के अपडेट में, वो इंसानों को खा सकते थे, मतलब कि वो स्टीव कैरेक्टर को या एलेक्स कैरेक्टर को खा जाते। तुमने बहुत सारी क्लिप्स भी देखी होगी वो किस तरह खा रहे हैं, बट एक्चुअली में हमें पता है ऐसा कुछ नहीं था, वो लिटरली कुछ नहीं खाते हैं या खाते हैं। ये मेरे सामने आ गया किस तरह, तो जैसा तुम्हें पता है माइनक्राफ्ट में एक स्लाइम ब्लॉक होता है एंड एक उसी का ऑपोजिट होता है मैग्मा ब्लॉक। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो एक्चुअली में फ्रॉग्स को स्लाइम ब्लॉक पसंद होता है एंड वो स्लाइम से अट्रैक्ट भी होते हैं। मैं इतना बता क्यों रहा, मैं तुम्हें दिखाता भी हूँ ना, रुको। ओके मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक फ्रॉग एंड मुझे चाहिए होगा एक स्लाइम, मैं स्लाइम बॉल ले लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे मैग्मा ब्लॉक भी ले लेता हूँ।
आई मीन मैग्मा को स्पॉन कैसे करते हैं? यस ये रहा, ब्रो मेरे को डरा रहे हैं यार हंस हंस के। ओके सो अगर मैं यहाँ पे चार फ्रॉग्स लेके आता हूँ एंड अगर मैं इनके पास स्लाइम बॉल दिखाऊंगा तो ये मेरे पास आ रहे चलते चलते किस तरह प्यारे से ऐसे परेड करते करते क्यूट से। बट अगर मैं इनके सामने एक मैग्मा ब्लॉक स्पॉन करूंगा तो ये देखना क्या करेंगे। Yo, this is crazy. What is this? Three frog light. Oh my god, क्या तुमने देखा भी? रुको 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 रुको. I want to see more. This was satisfying as hell. क्या ये बड़े वाले को भी मार पाएंगे? Don't tell me. मैं बहुत सारे spawn कर दूँगा यहाँ पे. Okay. Now show me your show. Oh no. वो ये बड़े वाले को नहीं मार पा रहे हैं. Okay, तो ये actually में छोटे वालों को ही मार पाएंगे. क्या इसे मार पाएंगे? Okay, ये इसे मार पाएंगे I guess, है ना? Yup. Bro, ये खत्म कर दे रहे इन्हें. एंड अगर मैं इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कर दूंगा, ये देखो बाय डिनर होगी इनकी. ये देखना, ये 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 इजी भाई. पता नहीं मेरे को फ्रॉग्स बहुत क्यूट लगते हैं. मेरे को रियल लाइफ में नहीं लगते लेकिन मेरे को माइनक्राफ्ट में बहुत लगते हैं. नहीं, फ्रॉग्स आर रियली क्यूट इन रियल लाइफ टू. अब चलते अपने नेक्स्ट मिथ में. मिथ में कैसे चल जाएंगे? मिथ पे चलना है ना. ओके सो दिस नेक्स्ट मिथ इज काइंड ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी एंड ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग भी हो सकती है अगर ये ट्रू हुई तो. एंड भाई अगर ये ट्रू हुई तो तुम कुछ भी मांग सकते हो फिर माइनक्राफ्ट से. एंड व्हाट आई मीन इज अगर तुम्हें एक एंशिएंट सिटी चाहिए तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें एक सीड बनाना है एंड तुम्हें उसमें लिखना है आई वांट एंशिएंट सिटी. एंड इस मिथ के अकॉर्डिंग जस्ट तुम्हारे नीचे एकदम डाउन बिलो तुम्हें मिलेगी एक एंशिएंट सिटी. आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, मैं ऐसे जाके ट्राई करने वाला हूँ. एंड वैसे ही मेरे माइनक्राफ्ट के सीड्स बहुत ज्यादा फेवरेट होते हैं एंड ऐसे स्केरी और टेरिफाइंग टाइप के स्पीड्स तो भाई मजेदार एकदम. ओके तो मैं अब यहाँ पे बनाऊंगा एक सीड. लेट्स मेक इट इन स्पेक्टेटर मोड. ओके मैं स्पेक्टेटर में जा नहीं पाऊंगा तो मैं क्रिएटिव मोड में बना रहा हूँ. एंड मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई वॉन्ट एंशिएंट एंड लेट्स सी दिस वर्क्स और नॉट. अगर ये वर्क कर गया तो भाई पूरी काया पलट हो गया मतलब माइनक्राफ्ट की. ओके वाह काफी इंटरेस्टिंग स्पॉन. और मैं अब डायरेक्ट नीचे जाके चेक करने वाला हूँ क्या मुझे मिली है एक एंशिएंट सिटी. एंशिएंट सिटी का नामो निशान नहीं है यहाँ पे. और अगर मैं आसपास भी देखना चाहूँ तो मुझे दूरों दूरों नहीं एक्चुअली में कोई एंशिएंट सिटी नहीं है. दिस मिथ वाज अ पुसी बॉम्ब. अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट मिथ पे. सीड के मामले में झूठ कैसे बोलते हो तुम? हाँ और वो भी भिक्षु से. भिक्षु इज द सीड मिथ एंड हैक एक्सपर्ट ऑफ माइनक्राफ्ट. यस तीनों का टाइटल मुझे दो. सो दिस मिथ इज प्रिटी इनसेन. ओ भाई क्या प्यारा विलेज है ये. यो दिस इज ओके नाइस. ठीक है भिक्षु डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे. तो यस ये वाला मिथ टेरिफाइंग और स्केरी क्यों है? बिकॉज माइनक्राफ्ट में दो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉब्स हैं, एक्चुअली तीन हैं, बट उन तीनों में से कंपैरेटिवली दो ज्यादा हैं. एक है विदर एंड एक है वार्डन. और अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम एक्चुअली में वार्डन को इनविजिबल कर सकते हो. एंड सर वार्डन को ही नहीं माइनक्राफ्ट के हर मॉब को कर सकते हो राइट. बट इस मिथ के अकॉर्डिंग तुम वार्डन को तो कर सकते हो, तुम एंडर ड्रैगन तक को भी कर दोगे, तुम हर किसी को कर दोगे, बट तुम वेदर को बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं कर पाओगे. एंड आई डोंट नो इसके पीछे का रीजन क्या है. मैं इसे पहले ट्राई करके देखना चाहूंगा, मैं फिर बात करूंगा इस पे. तो मैं यहाँ पे पहले एक वार्डन स्पॉन करूंगा एंड मैं उसे इनविजिबल करके देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में ये इनविजिबल हो पाते हैं या नहीं. बिकॉज सच बताऊं मेरे को आज तक मैंने कहीं पे किसी को इसको इनविजिबल करते हुए सुना नहीं है एंड मेरे को पता भी नहीं है. तो हियर वी गो. ये स्पॉन तो हो गया है. किस तरह स्लो चल रहा है ये? सर चलते हैं क्या? बहुत तेज नहीं भाग जाता ये? तो मैं अगर इसके ऊपर ये गिरूंगा तो ब्रो ये इनविजिबल हो गया. जो बिल्कुल इससे खुराफाती दिमाग आया है. अब देखो ये धड़कन की आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें. तुम इससे ना अपने दोस्तों को प्रैंक कर सकते हो. उन्हें लगेगा पता नहीं कौन ही है इस वर्ल्ड में, धड़क 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 की आवाज आ रही है एंड कुछ दिखेगा ही नहीं उन्हें. यो दिस इज क्रेजी, दिस इज प्रीटी क्रेजी. ये तुम कर सकते हो. एंड अब बारी आती है वन एंड ओनली विदर की. तो मुझे विदर स्पॉन करने के लिए चाहिए होगा सोल सैंड एंड मुझे चाहिए होगा स्केलेटन हेड, विदर स्केलेटन हेड. एंड अब मैं यहाँ पे फटाफट करूंगा इसे स्पॉन ए एंड फिर मैं इसके ऊपर फटाफट गिरना चाहूंगा एक स्लैश. नो ओके कुछ तो हो रहा है. अरे नहीं ये तो भाई एक्टिवेट हो रहा है. ओ ये इनविजिबल नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल इनविजिबल नहीं हो रहा है. तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे बहुत चार लगा दी इनविजिबल पोशन की. इतने में तो भाई पूरी माइनक्राफ्ट इनविजिबल हो जाती लेकिन नहीं. ओह डैम ही इज एंग्री. ओके बाय बाय भाई सॉरी. तू इनविजिबल वार्डन से लड़ मैं जा रहा हूँ. बट यस तुमने देखा विदर तो इनविजिबल नहीं हो पाया. एंड आई डोंट नो इसके पीछे का क्या रीजन है, ये करने का क्या रीजन है, क्यों है ऐसा. भाई हर कुछ इनविजिबल हो सकता है. ये देखो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, हेलो क्या हुआ, इनविजिबल व्हाट, वो क्यों नहीं हुआ. ओके नेक्स्ट मिथ भाई, नेक्स्ट मिथ आई एम गोइंग. ओ अरे मैं भी इनविजिबल बन गया. ओके सो अकॉर्डिंग टू आवर नेक्स्ट मिथ
तुम्हें पता ही है कि ज़ॉम्बीज को सनलाइट बिल्कुल नहीं पसंद, वो सनलाइट में मरने को हो जाते हैं, इनफैक्ट मरने लग जाते हैं। बट इस मिथ के अकॉर्डिंग ज़ॉम्बीज के एंसेस्टर्स ने उन्हें एक तरीका बताया था, बट वो उस तरीके को फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज उनका दिमाग ब्रेन इज डेड, एंड वो तरीका हमें पता है तो हम ट्राई करने वाले हैं, एंड इससे वो किसी भी वेदर, किसी भी डे लाइट सनलाइट कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। यस, दिस इज प्रिटी स्केरी, एंड अगर ये ट्रू हुआ तो भाई उनके एंसेस्टर्स को प्रणाम। पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ पे एक फेंस लगा के ताकि वो भाग ना जाए यहाँ से, क्योंकि ये सब मेरे से दूर ही भागना चाहते हैं। एंड मैं यहाँ पे कर दूंगा एक काम करते हैं, पहले नाइट कर लेते हैं ताकि वो जल्दी से मरे ना। ओके अबे तू क्यों आ गया, निकल। अबे यार निकल। यस गुड, यस पप्पा ज़ॉम्बी। एंड इनका जो सीक्रेट इन एंसेस्टर्स ने बनाया था वो था कि कॉब वेब तुम अपने ऊपर लगा लो भाई साहब, एंड तुम्हें कुछ नहीं होएगा। क्या ऐसा सच्ची में होएगा? हाँ ओके, लेट मी जस्ट, ओह डैम, तो एक कॉब वेब में फंस चुका है। एंड अगर मैं यहाँ पे अब करूंगा टाइम सेट डे तो क्या होगा? ओके, उसका बेटा जल रहा है भाई, ये नहीं जल रहा, लेकिन अबे तू अपने बेटे को जलते हुए देख रहा है, मतलब तू क्या ही कर पाएगा? बट दिस इज ट्रू भाई, पता नहीं ऐसे कितने मिथ्स होंगे फिर, इनके एंसेस्टर्स ने पता नहीं ने क्या ही क्या सिखा रखा होगा। ब्रो इसे कुछ नहीं हो रहा है, देख लो पूरी धूप चमक रही है भाई, एकदम ही शकलाका बूम बूम, कुछ नहीं हो रहा है इसे। ओके अब हो गया, आई वाज लाइक व्हाट, तो यस इन्हें अपनी हाइट जितना कॉबवेब लगाना पड़ेगा एंड फिर इन्हें कुछ नहीं होगा, दैट्स इंप्रेसिव, बाय बाय तू जलता रहे। एंड इसी के साथ आज के ये एडवेंचरस भरे मैच होते हैं खत्म यहीं पे, एंड आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लीव अ लाइक इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, दैट इज इट फॉर टुडेस वीडियो, वेट फॉर द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट। बीट पे गदर मचेगा खटेगा, ये पिज्जा सब में बटेगा, बनेगा सीन जो तूने ना देखा, बोलेगा आई स्वेयर, चल जाने दे बेटा। अरे बस कर भाई।